गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लेसन नंबर 5 सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड टेंथ मीरा के पर अर्थात मीरा बाई ने दिया हुआ लिखे है और बहुत सारी जानकारी आपको पता होगी कि मीरा बाई के संदर्भ में आप फिफ्थ से लेकर आज तक टेंथ तक पढ़ते आ रहे हैं तो विभिन्न दोहे उनके सिलेबस में लिए गए है। तो आज हम मीरा बाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने जो पद लिखे हैं किसको आधारभूत मान के लिखे हैं, भगवान कृष्ण को आधारभूत मान कर लिखे हैं या सर्वोपरि उसी को मान लिया है। तत्पश्चात हम मीरा बाई के बारे में थोड़ी किसी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 11 है, देखते हैं। उनका जन्म 1498 में हुआ था, उनका निधन 1563 में हुआ था, 1563 में उनका निधन हुआ था। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में हुआ। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? वह श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी थी और उनका जन्म मेड़ता जिला जोधपुर, ये कहाँ है? जिला जोधपुर में है, उसके निकट कुड़की नामक एक गांव में उनका जन्म हुआ। किसका? मीराबाई का। राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ। और किसके यहाँ हुआ? राव रतन सिंह राठौर के यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदाराव उन्हें मेड़ता ले गए और 2 वर्ष की वह आयु थी इसकी मीराबाई की। उसी समय उनके दादा दुदाराव, किसके दादा? मीराबाई के दादा दुदाराव, वो उन्हें कहाँ लेके आए? मेड़ता लेकर आ गए, क्योंकि मीरा की माँ का देहावसान हो गया था। उसका कारण क्या था? कि मीराबाई के माता का देहावसान अर्थात वो मर गई थी। दुदाराव स्वयं वैष्णव भक्त थे। वैष्णव विष्णु के अवतारों को पूजने वाले को वैष्णव कहा जाता है। वैष्णव शब्द शायद आपने पहली बार सुना होगा, इसके लिए उसका शाब्दिक अर्थ होता है विष्णु के आज तक के जितने भी अवतार हो गए उन अवतारों को पूजने वाले सारे भक्तों को क्या कहा जाता है? वैष्णव पंथी कहा जाता है या वैष्णव कहा जाता है। दूसरा है शैव। शैव मतलब क्या? जो शिव की आराधना करते हैं, शिव की पूजा पाठ करते हैं उनको शैव कहते हैं। फिर तीसरा शाक्त। शाक्त का मतलब होता है शक्ति, अर्थात शाक्त का मतलब होता है कि जो शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, जैसे जगदम्बा है, काला कालिका है, अम्बे माता है, यह शक्ति की क्या है? उपासक है। देवियां जो है उन देवियों को जो भजने वाले पूजने वाले होते हैं उनको शाक्त कहते हैं। यह 3 शब्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आगे देखते हैं। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनके दादा जो थे दुधारा, वो कौन थे? वैष्णव पंथ को मानने वाले थे, भगवान विष्णु को आराध्य मानकर पूजा पाठ करने वाले थे। इसके लिए मीराबाई का मन भी वैष्णव पंथ की तरफ झुक गया। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गई और भगवान कृष्ण जो है गिरिधर जो है भगवान कृष्ण जो है कृष्ण जो है वह कौन है? विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं, अर्थात वो भगवान कृष्ण के 16 कला गुण संपन्न एक ईश्वर कहा जाते हैं। उनकी ही भक्ति कौन करती है? मीराबाई करती है। आगे देखते हैं कि विवाह के 7 वर्ष बाद ज्येष्ठ पुत्र अर्थात दुदाराव के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ उनका विवाह होता है। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो जाता है और विवाह के 7 वर्ष उपरांत मीराबाई के पति भोजराज का क्या हो जाता है? निधन हो जाता है, स्वर्गवास हो जाता है। अब वे अपना अधिकांश अर्थात बचा कुचा समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। मीराबाई विधवा नारी के रूप में अपना जीवन व्यापन करने लगी और सारा का सारा जीवन जो बचा था वो वैष्णव को अर्थात भगवान कृष्ण को आधारभूत मानकर गिरिधर को अर्थात भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत धारण किया था उसी को अपना आधार मानकर वो पूजा पाठ करने लगी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर
होकर विरक्त हुई और परिवार के जो राजघराने के जो लोग थे, दुधाराव के परिवार के जो लोग थे उनको क्या करते थे, कष्ट देते थे, तमाम प्रकार की समस्या वहां पर रखते थे। थाली में मांस भर भर के बड़े बड़े पतीले वहां पर रखते थे और उसके सम्मुख को लाते थे। इसके लिए वो उनको यातना लगी, पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा तथा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। घर बार छोड़कर उन्होंने क्या किया, अपने को अकेले उन्होंने जीने के तरीके खोजने की कोशिश की और वहां से वो वृंदावन चली गई, बाद में वो द्वारिका चली गई जहाँ जीवन के अंतिम समय तक रही और द्वारिका में वो मरते दम तक वहीं पर रही, वहां से कहीं गई नहीं। मीरा रचित पद मीरा पदावली के नाम से प्रकाशित रूप में प्राप्त होते हैं और मीराबाई ने जो भी साहित्य लिखा, हिंदी साहित्य के जगत में मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति मानकर जो भी साहित्य लिखा वो मीराबाई के पद या मीराबाई के पदावली उनका ग्रंथ है, उसमें आपको सारे के सारे पद आपको मिल जाएंगे। प्रकाशित हुए अपने आराध्य गिरिधर गोपाल की विलक्षण, अर्थात भगवान कृष्ण को उन्होंने आराध्य माना, विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति उनके भावधाराओं में बह चली और उनके जो भी विचार थे, उनके जो भी सोच थे, उनके सारे के सारे विचार किसमें, गिरिधर अर्थात भगवान कृष्ण को आधारभूत मानकर उनकी सारी की सारी भावनाएं बची गई। यहाँ संकलित अर्थात जो पद हम देखने वाले हैं उसमें यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है और उन्होंने सारे संसार का त्याग कर दिया है, अपने सगे संबंधियों का त्याग कर दिया है और वह क्या किसमें भक्ति में लीन हो जाती है, गिरिधर अर्थात कृष्ण की भक्ति में वह लीन हो जाती है। लौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य श्री कृष्ण के अनन्य भक्त भाव में डूब जाती है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है और हम दोहे जैसे एक एक करके देखेंगे तो उसमें क्या है कि उन्होंने अपने सारे के सारे जीवन को उन्होंने क्या किया, ईश्वर भक्ति में ही लगा दिया और श्री कृष्ण को ही वो क्या समझ बैठी है, रत्न समझती है, राम रतन धन अर्थात रत्न के समान वो ईश्वर को मानने लगती है और सारा का सारा जीवन अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। सदगुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवयित्री को भाव विभोर कर देता है और यही सोच मीराबाई कि भगवान कृष्ण के प्रति इतनी आसक्त थी और वही भाव उनको महान बनाता है। तीसरे पद में श्री कृष्ण की भक्ति में मत वाली मीरा ने संसार त्याग कर चरम सीमा पर पहुंचकर गिरिधर नागर की शरणागति को स्वीकार कर लिया है और जब मरणासन्न स्थिति में थी उन्होंने सब कुछ छोड़कर क्या किया है, उस ईश्वर का उन्होंने चरण पकड़कर अपना जीवन वहां पर शरणागत वत्सल अर्थात जो शरण में आता है उसकी वो रखवाली करता है, उसके सानिध्य में वह चली जाती है और उसी को अपना अंतिम जीवन वह स्वीकार करती है और वहां से अपना जीवन वो अंततः वो समाप्त करती है। चलो तो हम पहला पद उनका देखते हैं, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई, देखो मेरा कौन है, गिरिधर गोपाल भगवान कृष्ण जिन्होंने क्या किया था, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान कृष्ण और मेरा सर्वोपरि कौन है, मेरा तो गिरिधर गोपाल जो गायों की पालना करता है, गोपाल गायों की पालना करने वाले जो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई साधु सकल लोक जाए और मुझसे कोई इससे कोई वास्ता नहीं है, जब एक बार मैंने उसको देख लिया तो दूसरे को देखने की मुझे जरूरत नहीं, साधु सकल लोक जाए और मैंने ईश्वर को देख लिया है, ईश्वर को देखने के बाद मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करती हूँ। आगे कहती है वो पारिवारिक जीवन की बातों को वो समझाती हुई है, भाई छोड़ा बंधु छोड़ा सदा सुनी, यहाँ पर थोड़े अपभ्रंश राजस्थानी शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इसके लिए भाई छोड़ा बंधु छोड़ा सदा सुनी,
भाई बंधन जो थे मैंने अपने परिवार का क्या किया है, त्याग कर दिया। मेरे सगे संबंधी जो भी थे उनसे मैंने किनारा कर लिया है, दूर हो गई हूँ। साधु संग बेटी बेटी लोग लाज हुई, और मैं क्या कर रही हूँ, अपने परिवार को छोड़ दिया है और साधु सन्यासी के पंक्ति में जाकर मैंने बैठ गई हूँ या मैं बैठ रही हूँ। इसके लिए मैंने जगत का लोक लाज मान मर्यादा क्या है उसको मैंने मुंडी में टांग दिया है, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। जब साधु संतों की टोली जाती है, साधु संतों की संगत में जाती है, तो वह अपने आप को तैयार करके उनके साथ में चलने लगती है, परंतु जैसे ही जगत के मोह माया को देखती है, धन दौलत को पैसा को देखती है, तो वो मोहन देख कर वो रोने लग जाती है, क्योंकि उससे कोई वास्ता नहीं है। सांसारिक मोह माया से उन्होंने क्या किया है, नाता तोड़ लिया है। इसके लिए वो सांसारिक मोह माया को देखकर रोने लग जाती है। असुमन जल सींची सींच प्रेम बेली वोही, और अपनी अश्रुधाराओं से, अपनी आँख से बहने वाले अश्रुओं से वो क्या करती है, अपनी प्रेम बेली, जिस प्रकार क्या करते हैं फूलों की गुंज, फूलों की माला भगवान को अर्पण की जाती है, उसी प्रकार वो अपने अश्रु की धारा किसे अर्पण कर रही है, ईश्वर को अर्पण कर रही है। प्रेम रूपी वो देवी वो कोई साधारण नहीं है कि उन्होंने अपने प्रियतम भगवान कृष्ण को मान लिया है और सारा का सारा श्रेय वो अपने ईश्वर को ही दे रही है। दधि मत द्रुत गाड़ी मिलो टार दही छुई, और इस शब्द में विरोधाभास अलंकार हमें नजर आता है, वो कैसे देखो। दधि मति अर्थात दही बनाने के बाद, दूध का दही बनाने के बाद उसमें से माखन निकाल लिया जाता है या दही निकाल ली जाती है। दधि मति द्रुत गाड़ी लियो डार दही छोड़ी, जिस प्रकार दही में से क्या करते हैं लोग माखन निकाल लेते हैं, माखन से तेल बना लेते हैं और जो भी बचा कुचा है वो साइड में रख देते हैं, उसी प्रकार वो कहती है मीराबाई कि मैंने अपने सगे संबंधियों को साइड में रख लिया है और मैंने क्या किया है, भगवान की दधि को मैंने धारण कर लिया है, दही को मैंने, धृत को मति को मैंने क्या किया है उसमें से निकाल लिया है, अर्थात संसार से मैंने अलिप्त कर लिया है अपने आप को। राणा इसको प्यालो भेजो पियो मगन होए, और वो कहते हैं कि राणा जो सांगा थे उन्होंने मेरे लिए क्या किया था, विष का प्याला भेजा था, और विष का प्याला मैंने क्या किया, ईश्वर के भजन में मगन होकर ईश्वर का नाम लेते वक्त मैंने उस विष को क्या किया, पी लिया। राणा विष को प्यालो भेजो पियो मगन होई, और विष के प्याला को मैंने क्या किया है, हंसते हुए पी लिया है। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, और यह सारे संसार में बात फैल गई है कि मीराबाई ने विष का प्याला पी लिया है और वो फिर भी जीवित है। यह सारे संसार मेरी जो बात है वो सारे संसार में फैल गई है। मीरा राम लगन लागी होनी सो होई, जो होना सा वो हो जाए, मुझसे उससे कोई वास्ता नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और मीरा कहती है कि मेरा जो राम लगन है, मीरा राम लगन लागी होनी सो होई, जो होगा सो होगा, मैंने तो ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया है। दूसरे पद में देखते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, और मैंने क्या किया है, राम रतन धन अर्थात राम रूपी रत्न मैंने क्या किया है, प्राप्त कर लिया है, और मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ कि मैं दुनिया से अलग हूँ, मैंने ईश्वर का स्मरण किया है, मैंने भगवान के रूप भगवान रूपी रत्न को मैंने प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु कर कृपा अपनायो, और मैं मेरे सदगुरु के सदैव आभारी रहना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा का बरसाव किया है और उन्होंने मुझे अपना लिया है, उन्होंने मुझे अपना समझा है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सब को आयो, मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, अर्थात मैंने जीवन का सारा मोल जो है, सारे के सारे तत्व जो है मैंने प्राप्त कर लिए हैं, और मैं मरने के बाद भी ईश्वर तुल्य हो जाऊंगी, अर्थात जन्म जन्म की जो पूंजी है
लोग जन्म लेते हैं और मरते दम तक कष्ट करके जो भी पूंजी कमाते हैं, धन कमाते हैं, परंतु मरते वक्त वो पूंजी साथ में नहीं जाती है। परंतु मीराबाई कहती है कि मैंने ईश्वर रूपी रत्न को प्राप्त कर लिया है, अर्थात जन्म जन्म की पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है, सब को आयो, और मैंने संसार रूपी जो रत्न है, पैसा है, धन दौलत, खेती बाड़ी, सगे संबंधी जो है, उनको मैंने क्या किया है, खो दिया है, उनसे मेरा कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं है, खर्चे नहीं, कोई चोर न लेंगे, दिन दिन बढ़त सोवायो, और वैसा रत्न है, जैसे मैं सत्संग करती हूँ, प्रवचन देती हूँ, लोगों का ज्ञान, लोगों को ज्ञान देती हूँ, तो उससे मेरा ज्ञान क्या हो जाता है, दिन गुना और वो बढ़ता जाता है, एक के दो, दो के चार, वैसे वो बढ़ते जाते हैं, खर्चने के बाद भी वो खर्चा नहीं जाता है, वो बढ़ता ही जाता है, वो कोई चोर उसे चुराने की कोशिश करता है मेरे ज्ञान को, तो भी वो चुरा नहीं पाता है, इसके लिए दिन प्रतिदिन वो ज्ञान मेरा क्या है, बढ़ता जा रहा है। सतकी नाव खेवटिया सतगुरु बहु सागर तरिया, और मैंने सत्य की नाव में बैठकर ईश्वर रूपी पतवार को हाथ में ले लिया है, और मैं उस नाव में बैठकर मैं क्या कर रही हूँ, हरि नाम की माला जप रही हूँ, ईश्वर का नाम मैं ले रही हूँ, खेवटिया अर्थात कौन, नाव चलाने वाला नाविक, मैं स्वयं कौन हूँ, नाव चलाने वाली नाविक हूँ, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर तरिया, और मैंने सत्य की नाव में बैठकर ईश्वर का नामस्मरण किया है, और मैंने इस संसार रूपी भव सागर को पार कर दिया है, मैंने उससे नाता ही तोड़ दिया है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरे के हरि कर प्रसन्न हो, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरि की जस गायो, हरि के अर्थात प्रसन्न होकर मैं अपने अंदर आत्मा में प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, आनंदित हूँ, और मैं जब तक जीवित हूँ उसी ईश्वर का मैं क्या करूँगी, नामस्मरण करूँगी, उसको ही याद करती रहूँगी। इसके लिए अंत में कहती है कि मेरे मीरा के प्रभु मीरा के ईश्वर गिरिधर नागर और गिरी को धारण करने वाले वह जिसको मैंने क्या किया है, प्रसन्न चित्त होकर आनंदित होकर मैंने उसकी गुणगान गाई है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, आगे हम तीसरा पद देखते हैं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू, उन्होंने ईश्वर का नाम लेते हुए वो बावली बन गई, पागल सी हो गई है, बावरी सी हो गई है, और उन्होंने क्या किया है, अपने पैरों में उन्होंने घुंघरू बांध लिए हैं, और घुंघरू बांध कर वो ईश्वर का नामस्मरण करके वो नाच रही है, और लोग देखने वाले उसे क्या कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, तो भी उसको कोई वास्ता नहीं है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू, और मैंने क्या किया है, ईश्वर के नामस्मरण में अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं, और मैं क्या कर रही हूँ, नाच रही हूँ, लोग कहे मीरा भई बावरी, और लोग मुझे क्या कह रहे हैं, मीरा पागल हो गई है, सारे संसार में मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, परंतु उससे मुझे कोई वास्ता नहीं, सास कहे अर्थात मेरी जो सास है वो मुझे क्या कह रही है कि कुल नासी रे, कुल का नाश करने वाली, अर्थात कुल नासी, कुल का नाश करने वाली यह मूर्ति, मेरी जो बहू है मीरा यह क्या कर रही है, मेरे कुल का नाश कर रही है, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासिनी, मैं कुल नासिनी नहीं हूँ, अर्थात मैं प्रभु के नाम में दीवानी हो गई हूँ, जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, और जहर का जो प्याला था उन्होंने किसने भेजा, उनके अपने ससुर ने भेजा, राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा, और वह जहर पीते वक्त उन्होंने अपने चेहरे पर हास्य का भाव लाकर उन्होंने सारा का सारा जहर पी गया। ऐसी पागल औरत आपने कभी देखी है, स्वयं उसकी सास कहती है, परंतु देखो जिसने ईश्वर को ही सब कुछ मान लिया, वो जहर का प्याला पी ले या कहीं पहाड़ से कूदकर जान देने की कोशिश करे, वह परवरदिगार, वह मालिक, बचाने वाला जिसके आश्रय में है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता है। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा,
भेजा, पीवत मीरा हंसी दे और जहर का पाला प्याला पीते वक्त मीरा जोर जोर से हंसी और उसे वो पी गई। मैं तो अपने नारायण की, मैं किसकी हूँ, मेरे अपने प्रभु नारायण की अर्थात ईश्वर की हूँ, मुझे भला कौन क्या मार सकता है, क्योंकि मेरे पालनहार कौन है, गिरिधर नागर अर्थात गिरि को धारण करने वाले भगवान कृष्ण मेरे अपने हैं, वो मेरे नारायण है, हो गई आप ही दास से। और वो कहती है कि हे ईश्वर, मैं आपकी दासी हूँ, हे विधाता मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे जिंदा रखना चाहे तो भी ठीक है, आप मुझे मारना चाहे तो भी ठीक है, मैं मौत से डरने वाली नहीं हूँ, भले विष मेरे सामने हो तो भी मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे, और मैं आपके शरण में आ गई हूँ, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेगिलो विनाशी रे, और जो विधाता सबका कल्याण करते हैं मैं उसके शरण में चली गई हूँ, मैं उसके गुणगान करती हूँ, मैं उसके प्रति रह नहीं सकती हूँ, मैं सदैव उसका स्मरण करती हूँ, वो भला मेरा क्या विनाश कर सकता है, जो ईश्वर सबकी रक्षा करता है और मैं उसी को चाहती हूँ तो वो भला मेरा विनाश कर सकता है, नहीं, अर्थात अविनाशी जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है वो। इसके लिए अंत में कहती है कि मैंने अपने ईश्वर को ही, गिरिधर नागर को ही मैंने सर्वोपरि मान लिया है और इसके लिए मैं सदैव सजग रहूँगी और मैं उसके शरण में सदैव झुकी रहूँगी, वही मेरा है, मुझे दूसरे लोग कुछ भी कहे उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है, इसके लिए मेरा विनाश करने वाला कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।